हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुल आलम कायनात के बारे में एक ही रसूल बना के भेजा है। जैसे सब का खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। दूसरे दौरों में मुख्तलिफ सूबाजात के लिए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ महलों के लिए भी नबी अलग अलग आते रहे। इसका मकसद ये था कि उनकी पॉलिसी लिमिटेड थी, उसी एरिया के लोगों के साथ खास थी। तमाम जितने भी इलाकाई बैरियर थे अल्लाह ने वो सब उठा दिए। और तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। जिस तरह रब सारे आलमीन का रब है, इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम पूरे आलमीन के रसूल हैं। और उसके लिए इस बात की गुंजाइश नहीं कि दुनियावी मामलात में फला शख्स की पैरवी कर ली जाए, दीन के बारे में हजूर की पैरवी की जाए। अगर दीन और दुनिया दोनों अलग अलग खुदा के कायनात में समझी जाती तो उनके लिए अलग अलग नबी भेजता। सबके लिए एक नबी भेजने का माना यह है कि उनके दुनियावी मामलात, उनके सियासी मामलात, उनकी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और उनके एग्जीक्यूटिव, ये सारी की सारी एक रसूल के पास है। इसलिए मुसलमान अपने सियासी मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी, इज्दिवाजी मामलात में भी, कानून विरासत में भी नबी की पैरवी करने का पाबंद है। خير الخلق كلهم